नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे छठे दिन के रियाज के बारे में। तो आपने छठे दिन कौन से बोलों का रियाज करना है और कैसे करना है, किस टेक्निक में करना है, तो चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने रियाज किया था धा बोल का, कि धा बोल हमने कैसे बजाना और उसके साथ कौन कौन से बोल जोड़कर उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, आप शुरू से रियाज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट डे से आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर और वहां से आप देखकर धीरे धीरे अच्छे ढंग से रियाज कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम रियाज शुरू करते हैं। तो आज हमने जो बोल बजाना है वो है धिन बोल। तो देखिए, धिन बोल आपका कैसे बजता है। तो देखिए, धिन बोल आपका बजता है वो आपका गे गे, जो हमने गे गे का रियाज किया था, गे गे। तो ये गे गे का जब हमने रियाज किया था, तो हमने सबसे फर्स्ट में, जैसे फर्स्ट डे और सेकंड डे, हमने तीन का रियाज किया था। तो ये जो तीन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां मैदान पर। तो बहुत से तबला वादक क्या करते हैं, तीन बजाकर तानपुरे के साथ या किसी और वाद्य के साथ अपने तबले को ट्यून करते हैं मैदान पर, यहां से मैदान पर। तो कुछ चांटी से करते हैं, पर ज्यादातर जो मैदान की साउंड है, उसकी जो साउंड है वो बहुत ही अच्छी होती है। यानी कि उसकी जो साउंड है, अगर इसके साथ हम अपने तबले को मिलाएं, मेरे हिसाब से, तो जो हमारा तबला है वो प्रॉपर ट्यून होगा मैदान से, प्रॉपर ट्यून मैदान से ही होगा। तो बस ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए तीन बोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीन बोल का रियाज अच्छे ढंग से करें। तो अगर नहीं किया है तो देख सकते हैं वीडियो जाकर। तो अब हमने आज बजाना है धिन बोल। तो धिन कैसे बजेगा देखिए। तो धिन इधर गे और इधर तिन, तिन मैदान पर जो आपने बजाना सीखा था, तो ये आपने दो बोल इकट्ठे बजाने। कैसे देखिए, धिन 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 धिन। तो देखिए, ये धिन बोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे कायदे, पलटे, रेले, पेशकार, बहुत सारी ऐसी तबले की वैरायटी है जिसमें ये धिन बोल यूज होता है। तो देखिए, अब इसको कैसे बजाना है और कैसे बोलों का, इसके बोलों के साथ इसका रियाज करना है। तो देखिए, आज आपने बजाना है धा धिन धा धिन धा धिन धा धिन धा धिन। पहले इसका रियाज करना है आपने 5 मिनट। कैसे देखिए, धा धिन धा धिन धा धिन। तो देखिए, धा पहले दबाकर है, इधर से मैंने गेगे आपको बताया था वैसे ही बजाना है। तो वैसे ही आपने चलना है, इधर ना बजाना है पहले, धा तुम्हारा बन गया धा, फिर धिन, इधर तिन और इधर गे। तो देखिए, धा धिन धा धिन धा धिन धा धिन। तो बहुत सारी तालों में आप देखेंगे, जैसे कहरवा का एक वेरिएशन है, उसमें ये बजेगा। तो कैसे, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे धा धिन धा धिन धा तिन ता ता ते ते, धा धिन धा धिन धा तिन ता ता ते ते। तो ये वेरिएशन बहुत सारे ऐसे आएंगे कहरवा के, तीन ताल के, तो जिसमें ये धा धिन का प्रयोग होगा। तो इसलिए धा धिन का रियाज अच्छे ढंग से करें, 5 मिनट इसका रियाज कर ले पहले, धा धिन। हेडफोन जरूर लगा ले, क्योंकि साउंड आपको तभी पता चलेगी कहां पर दबाना है, कहां छोड़ना है। धा धिन धा धिन धा धिन धा धिन धा धिन धा धिन। तो इस स्पीड में, एक कंफर्टेबल स्पीड में, स्लो स्पीड से आपने शुरू करना है और कंफर्टेबल स्पीड तक जितनी आप लेकर जा सकते हैं, और जहां पर आप कंफर्टेबल है वहां तक लेकर जाएं स्पीड को। और जब आपको लगे कि ये स्पीड काफी है, तो फिर नेक्स्ट डे जो आपके बोल है उनका रियाज कीजिए। तो पहले तो आपने 5 मिनट इसको बजाना है, धा धिन धा धिन धा धिन। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट आपने रियाज करना है फिर धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन। तो देखिए, इसमें मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए, एक तो आपका गे गे का रियाज हो रहा है, और इधर आपका ना का रियाज भी हो रहा है, और धा का भी हो रहा है, और धिन का भी। तो इसलिए इनको इकट्ठा कर ले, पिछला रियाज भी आपका हो जाएगा। तो देखिए कैसे, धा धा धिन 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 धा धा धिन।
पांच मिनट इसका कर ले। तो अब क्या करना है, दिन को फिर डबल कर ले। कैसे, देखिए, राधा दिन दिन, राधा दिन दिन, राधा दिन दिन, राधा दिन दिन, राधा दिन दिन। अब देखिए, अगर ये आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको बजाने में, तो फिर क्या कीजिए, धा को सिंगल कर दीजिए और दिन को डबल कर दीजिए। तो इसका रियाज कीजिए, कैसे, धा दिन दिन, धा दिन दिन, धा दिन दिन, धा दिन दिन, धा दिन दिन। और अब देखिए, आपकी एक बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण ताल, जिसको बोलते हैं तीन ताल तबले पर, वो इसके साथ आपकी जुड़ जाएगी। कैसे, देखिए, अब आप इन सभी का जो मैंने पांच पांच मिनट आपको रियाज बताया, इसका मैंने जो अब लास्ट में जो बताया, देखिए, धा दिन दिन, धा दिन दिन। तो देखिए, ये करने के बाद, यानी कि आपका प्रॉपर 15 मिनट रियाज करने के बाद, आपने क्या बजाना है, देखिए, धा दिन दिन धा, बस ये चार बोल बजाने। अब समझ गए होंगे मैंने आपको क्यों बोला है, क्योंकि ये तीन ताल के बोल हैं। तो देखिए, शुरुआत में तीन ताल के ये बोल हैं, अब इनका आप अच्छे ढंग से रियाज कर लें, तो देखिए तीन ताल का आपका रियाज बड़े अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो इसलिए इसका रियाज कर ले। तो अब कैसे, देखिए, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा। बस इसमें आपने ध्यान रखना है कि डग्गे पर जैसे मैंने आपको बताया गेगे कैसे बजाना है, वैसे ही इधर बजाना है, बस इसका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। और इधर आपका वही दा दिन ना तिन ना तिन ये चलता रहेगा, ना तिन तिन ना तिन तिन ना, इधर हो जाएगा ना तिन तिन ना, इधर गेगे जुड़ जाएगा। कैसे, देखिए, दा दिन दिन दा दिन दिन दा। तो बस इसका रियाज कर लीजिए, चार बोल आ जाएंगे, लास्ट में इनका पांच मिनट रियाज कीजिए, तो देखना तीन ताल भी आप बड़े अच्छे ढंग से बजा लेंगे। तो बस इनका रियाज कर लीजिए। अब मैं लास्ट में जो बता रहा हूँ फिर देख लीजिए, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा। फिर इसको एक कंफर्टेबल स्पीड तक लेकर जाए, उसके बाद नेक्स्ट डे का रियाज करें। तो बस ऐसे आप धीरे धीरे रियाज करते जाएं, और फिर इसके बाद जो मैं नेक्स्ट डे का आपको रियाज बताऊंगा उसका आप रियाज कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप संगीत के परिवार से आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मैसेज कर सकते हैं वीडियो के नीचे। धन्यवाद।